दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन, निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों के परिवार में बहुत सारी बार ऐसा देखने में आता है कि छोटे छोटे बच्चों से लेके और बड़े बड़े बुजुर्गों तक सर्दी और खांसी जो है वो कभी ना कभी होती ही रहती है। अब कई लोगों को मौसम के बदलने के साथ खांसी हो जाती है, सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खास तौर से जुकाम बहुत ज़्यादा होता है जिसमें छींकें आती हैं, आँख से पानी आने लगता है, नाक से पानी आने लगता है, नाक बहने लगती है, बहुत ज़बरदस्त समस्या हो जाती है। अब 2-3 दिन तो इस चीज़ को सहन किया जा सकता है, उसके बाद जो है वो जब सिर दुखने लगता है और हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है और बिल्कुल हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तब पेशेंट को दवाई खाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि हम उनको एंटीबायोटिक दे देते हैं और या फिर कोई एंटी हिस्टामिनिक दे दिया या कोई एंटी एलर्जिक दे दिया, ये 2-3 चीज़ें इसको दे दी जाती हैं और पेशेंट की सर्दी को दबा दिया जाता है। धीरे धीरे सर्दी को दबाने की यही आदत पेशेंट में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के लक्षणों की उत्पत्ति कर देती है। उस कंडीशन में होम्योपैथिक दवाएं पेशेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं और उन दवाओं में बहुत सारी दवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि मर्कसॉल है, यूफ्रेशिया है, एलियम सीपा है, हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस है, नेट्रम यूरियाटिकम है। ये बहुत सारी दवाएं हैं जो पेशेंट के लक्षणों के आधार पर जुकाम को ठीक करने के लिए और खांसी और सर्दी को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उन्हीं में से एक दवा के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा कि वो जो दवा है वो हम सर्दी खांसी जुकाम के किस लक्षण को देख के मरीज को हम दे सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी जो मेडिसिनल सिस्टम है वो लक्षणों का सिस्टम है, लक्षणों के आधार पे मरीजों को दवाई दी जाती है। तो आज इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हम इस मेडिसिन को किस कंडीशन में किसी पेशेंट को दे सकते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मैं आज आपसे बात करने वाला हूं यूफ्रेशिया ऑफिसिनेलिस के बारे में। ये मेरे पास यूफ्रेशिया ऑफिसिनेलिस है, 30 पोटेंसी में ये मेरे पास है अभी इस समय, और ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाएंगी वर्डिंग्स कि ये यूफ्रेशिया ऑफिसिनेलिस इसका पूरा नाम है। आज इसी मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेन सिम्टम है इसका वो मैं आपको बताता हूँ। यूफ्रेशिया ऑफिसिनेलिस सर्दी खांसी की बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसकी सर्दी का जो लक्षण है वो ये होता है कि जिस व्यक्ति को सर्दी होगी उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है और नाक से भी पानी आता है। अब आंख से जो पानी आएगा उसके कारण पेशेंट को आंख में और उसके आसपास की जो हिस्से होते हैं जैसे पलक वगैरह में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको बर्निंग का सेंसेशन होगा, जलन होगी उसे बहुत ज़्यादा, और उसके साथ में आंख में लालपन रहेगा, आंख में से कीचड़ आएगा, गाढ़ा गाढ़ा कीचड़ आता है, और नाक से जो पानी बहेगा वो नहीं जलता है। ये इसका खास सिम्टम होता है। इसी के जैसे मिलती जुलती एक और मेडिसिन होती है दोस्तों, जिसे एलियम सीपा कहा जाता है। एलियम सीपा में भी नाक से पानी आता है और आंख से पानी आता है, लेकिन एलियम सीपा का जो पानी नाक से जो आता है उसमें जलन पड़ती है, आंख वाले पानी में वहां पे जलन नहीं पड़ती। और यूफ्रेशिया आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ई फॉर आई एंड ई फॉर यूफ्रेशिया। तो जहां आंख में आने वाले पानी से जलन पड़े वहां यूफ्रेशिया दे दीजिए, और जहां नाक से आने वाले पानी में जलन पड़े वहां पे एलियम सीपा दे दीजिए। इसके अलावा ये जो जलन वाला सिम्टम है ये और भी मर्कसॉल और दूसरी मेडिसिन में पाया जाता है, आर्सेनिकम एल्बम में भी पाया जाता है, लेकिन वहां पे जो लक्षण होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। यूफ्रेशिया के यदि हम दूसरे सिम्टम की बात करें जिसमें है खांसी, तो खांसी का जो खास लक्षण होता है वो ये है कि पेशेंट को दिन के समय बहुत खांसी चलती है और रात के समय उसको खांसी में आराम मिल जाता है। मतलब रात में जब पेशेंट सोएगा तो उसको खांसी में बड़ा आराम मिल जाएगा, रात भर उसको बड़ी आज़ादी रहेगी, खांसी से बड़ा अच्छा महसूस होगा, सुबह उठने के साथ ही धीरे धीरे उसको खांसी चलना शुरू होगी, दोपहर शाम तक उसकी खांसी बढ़ जाती है और शाम रात होते होते
शाम से लेकर रात तक खांसी जो है वो फिर बंद होने लगती है और रात भर वो बड़ी आसानी से सो जाता है। तो ये इसका बड़ा पर्टिकुलर सिम्टम है। इस सिम्टम के बेसिस पे यदि किसी को भी खांसी की समस्या हो उस व्यक्ति को यूफ्रेशिया ऑफिस एनालिस बड़ी आसानी से उस समय दी जा सकती है और ये सिंगल मेडिसिन उसकी उस खांसी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। इसका जो तीसरा सिम्टम होता है दोस्तों वो होता है महिलाओं के मासिक धर्म पे। मासिक धर्म से संबंधित महिलाओं के केस में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। हालांकि होम्योपैथिक फिजिशियंस इसको केवल सर्दी जुकाम की मेडिसिन के बारे में ही जानते हैं, लेकिन ये मासिक धर्म के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है और खास तौर से उन महिलाओं में जिनमें की महिलाओं का जो मासिक धर्म है वो केवल एक दिन या 2-3 घंटे के लिए ही आता है। मतलब कि उनको जब ब्लीडिंग होती है तो वो या तो एक दिन होती है मैक्सिमम एक दिन और या फिर उससे भी कम 2-3 घंटे 4 घंटे ही उनको ब्लीडिंग होती है और उसके बाद उनका मासिक धर्म होना बंद हो जाता है। तब उस कंडीशन में भी ये मेडिसिन यूफ्रेशिया ऑफिसेनालिस बहुत अच्छा काम करती है और उन महिलाओं के एक नॉर्मल स्टेटस को लेके आती है। उनके गर्भाशय से संबंधित जो बीमारी होती है जिसके कारण उनका मासिक धर्म केवल एक दिन या कुछ घंटों तक ही रहता है उस समस्या को दूर कर देती है और उस पेशेंट को पूरी तरह से क्योर कर देती है। यदि आंख से संबंधित यदि हम इसके दूसरे लक्षणों की बात करते हैं तो जिन लोगों को कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, आंख आना जिसे कहा जाता है, आंखों की जो कंजंक्टिवा होती है उसमें इंफ्लेमेशन हो जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, उस कंडीशन को कंजंक्टिवाइटिस कहा जाता है, उसकी भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और सिम्टम इसका बिल्कुल वही रहेगा कि आंख से बहुत ज्यादा पानी आएगा, गाढ़ा गाढ़ा जो है वो कीचड़ उसमें से निकलेगा और आंख से आने वाला जो पानी होगा वो बहुत ज्यादा जलन करेगा। तो कंजंक्टिवाइटिस की भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। इसके साथ में दोस्तों इसका एक और बहुत खास सिम्टम होता है छोटी माता जिसे कहा जाता है। कई बच्चों में आपने देखा होगा चेचक निकलती है जिसमें से एक बड़ी माता होती है एक छोटी माता होती है, तो छोटी माता के लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। पल्सिटिला भी उतनी ही इफेक्टिव मेडिसिन है, लेकिन जिन बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी हो रही हो और उनके सिम्टम यूफ्रेशिया से मिल रहे हो तो पल्सिटिला यदि वहां पे काम नहीं करती है तो फिर यूफ्रेशिया से छोटी माता जो है वो पूरी तरह से ठीक की जा सकती है। तो ये जो खास सिम्टम्स होते हैं दोस्तों ये यूफ्रेशिया ऑफिसेनालिस के होते हैं, जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। मैं अपने हर वीडियो में वो पर्टिकुलर सिम्टम बताता हूँ जिसके बेसिस पे हम मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर समझ सकते हैं। तो आप यूफ्रेशिया ऑफिसेनालिस का उपयोग जो लक्षण मैंने अभी बताए हैं उन लक्षणों के आधार पे सर्दी खांसी जुकाम छोटी माता और मासिक धर्म से संबंधित जो बीमारी यदि किसी महिला को है तो उन सारी समस्याओं में हम यूफ्रेशिया ऑफिसेनालिस का यूज कर सकते हैं। अब जहां तक है इसकी हमें पोटेंसी कौन सी यूज करना है, तो सर्दी खांसी जुकाम के जो केस है और छोटी माता का जो केस है उसमें हमें 30 पोटेंसी यूज करना है और 30 पोटेंसी की 2-2 बूंद दिन में 3 बार देना है। यदि आपके पास 30 नंबर ग्लोब्यूल में है यूफ्रेशिया ऑफिसेनालिस यानी छोटी छोटी सफेद कलर की जो गोलियां होती हैं जिन्हें लोग साबूदाने गोली जैसे कहते हैं, साबूदाने जैसी गोली, तो यदि वो ग्लोब्यूल है तो फिर 4-4 ग्लोब्यूल आपको दिन में 4 बार खाना है। और अगर आपके पास ये ड्रॉप है इस तरह का 30 पोटेंसी है लिक्विड है इस तरह का, तो आपको लिक्विड में 2-2 बूंद दिन में 4 बार यूज करना है या 3 बार यूज करना है अपने लक्षणों की इंटेंसिटी के आधार पर। जितने ज्यादा लक्षण होंगे तो फिर 4 बार यूज कर लें और यदि थोड़ा बहुत ठीक है तो 2-3 बार भी यूज की जा सकती है। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 बार से ज्यादा आपको नहीं लेना है। अब जहां तक है मासिक धर्म से संबंधित तो इसकी 200 पोटेंसी आपको उस समय लेना है। यदि किसी महिला को वैसी दिक्कत है कि एक दिन ही उसका मासिक धर्म हो रहा है तो 200 पोटेंसी लेना है और 200 पोटेंसी को 4 बूंद लेना है हफ्ते में 1 बार, मतलब कि उसका वीकली डोज लेना है, 7 दिन में 1 बार उसको लेना है और 200 पोटेंसी की 4 बूंद लेना है। तो लगभग 2-3 बार इसका यूज करने से उसका जो नेक्स्ट मासिक धर्म जब आएगा, जब अगला आएगा तो उसमें थोड़े से सुधार के साथ वो आएगा। इसको फिर कंटिन्यू यूज करने से लक्षणों के आधार पे पोटेंसी को बढ़ाना भी पड़ सकता है, उस कंडीशन में आपको अपने जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेनी पड़ेगी, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं वो इससे ठीक हो जाएंगी। ये दवा आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोज में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं,
बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो।